हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दिस वीडियो विल बी क्वाइट डिफरेंट बिकॉज हम इस वक्त मौजूद है अपने करीबी दोस्त हसन भाई के साथ और उनके पास इतने टाइप्स के बजीज है और वैसे तो हमें इतना नॉलेज नहीं है बजीज के बारे में, बट अभी तो मैंने देखा जो हसन भाई हमारे उस्ताद है बजीज के, तो हम हसन भाई के पास जाएंगे, बात करेंगे हसन भाई से कि कौन कौन से टाइप के बजीज हैं उनके पास, अभी एग्जॉस्टिस में कौन कौन सी बजीज अवेलेबल है, तो भाई से सीधा जाके बात कर। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो हसन भाई, मैंने तो अभी तक इतना बड़ा सेटअप देखा नहीं कि किसी के पास मेरे को दिखा हो, वो भी इतने बड़े शौकीन के तौर पर, और इतने तरीके की बजीज तो इवन शॉप वाले लोग भी नहीं लगते जितना आप शौक में रख रहे हो। अपना कैसे ना लोगों का शौक बढ़ाने का अपना मेन यही मकसद है कि लोगों का शौक बढ़े। हाँ बस, मतलब दुकान वाले लेके आते वो बीमार पीस भी आपको दे देंगे ना, वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास अगर तुम एक हफ्ता रख के भी अगर पीस लेके आओगे ना तो मैं चेंज करके दूंगा उसको। मतलब किसी का शौक नहीं, मतलब एक बार कैसे इंसान के पास अगर ये चलेगा अभी वो पालेगा और उसके बाद वो एक हफ्ते के बाद वो मर गया ना तो दोबारा जानवर लेके नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद मर जाएगा, लेकिन ये दुकान वाले ये नहीं सोचते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो ये जंबो है। हाँ ये जंबो के बच्चे, ये बेबी से। हाँ ये आपने खुद ने ब्रीडिंग कराया? हाँ ये खुद, मेरे पास मशीन है, मैं मशीन में ही बच्चे निकालता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कितने दिन के बच्चे होंगे भाई? ये 3 दिन के बच्चे अभी। ये बच्चे अपने पास, ये 1 महीने के बच्चे जंबो के, ये उड़ने के लायक नहीं हुए अभी तक, और उड़ेंगे नहीं अभी लोग, और इन लोग के पैर में क्लोज रिंग है। क्या है भाई? क्लोज रिंग है, क्लोज रिंग में दूसरे बच्चे के निकाल के बताता हूँ आपको। अभी तो फिलहाल बच्ची है ना तो पूरी गंदी करके ही निकाल देना। ये देखो इस पे कैसा मेरा नंबर लिखा हुआ है, मतलब कोई भी अगर खरीद के लेके जाता है तो उसको डायरेक्ट मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर कुछ भी फॉल्ट रहेगा या कुछ भी और वगैरह किसी चीज के लिए तो डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और भाई अभी तो मतलब कैसे, नॉर्मली बहुत लोग नए शौकीन रहेंगे, बहुत लोग पुराने रहेंगे, अभी आपको तो काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी नॉलेज है कौन सा बजीज कैसा है, तो हमारे कुछ व्यूवर जो है जो जिनको नहीं पता होगा तो उनको उनको बताइए कि मतलब उसमें मेल एंड फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कौन से टाइप की बजीज है, कौन से ब्रीड की है, वो सब बताइए आप थोड़ा। ये फीमेल है, ये फीमेल की जो नोज होती है ना, ये नोज, ये जो नोज के ऊपर का हिस्सा होता है ना ये वाइट होना चाहिए, ये दिख रहा है वाइट है, ये फीमेल है। अच्छा, और अगर आप अडल्ट की पहचान करते हो तो ये आई दिख रही है, आई, एक सेकंड, ये आई इसके बाजू में जो वाइट रिंग आई है ना ये अडल्ट को आ जाती है, बच्चे को नहीं आती। तो अडल्ट मतलब ये फिर कितने दिन का होगा लगभग? ये है 1.5 साल की फीमेल है वो, 1.5 साल की। हाँ मैं मेल भी दिखाता हूँ आपको, ये मेल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया भाई? ये मेल है, इसकी नोज एकदम ब्लू रहती है, डार्क ब्लू। अच्छा, ये देखिए आपको डार्क ब्लू दिख रही है। हाँ, और फीमेल की वाइट रहती है, मेल की डार्क ब्लू रहती है। और इसकी आईज में वैसा कुछ है जैसे, देखो ना वाइट वाइट आईज हो गई है ना। अच्छा, वाइट है तो मेल और वो ब्लू। हाँ, तो मैं बच्चा भी पकड़ के दिखाता आपको। अच्छा अच्छा, लोग क्या करते हैं सेमी अडल्ट बेच देते, थोड़े से बड़े होते हैं ना तो उसको बेच देते। ये बच्चा है, इसकी आईज कैसा अभी ब्लैक है। लेकिन भाई अभी आपने ये बताया इसमें मेल फीमेल है, कौन से ब्रीड की है या कौन से जाति की बजी ये जंबो? ये हॉलैंड बड़े वाले जंब, सबसे बड़े साइज के, और ये नॉर्मल जंबो है अपने पास। ये भी सारा का सारा कुछ सेल के लिए, सब कुछ सेल के लिए, कॉकटेल का जोड़ा है, ब्रीडिंग पैर है, यहाँ पे एक कॉकटेल का जोड़ा है, वो अंडे देके बैठी, अभी उसका गेज खोल नहीं सकते। हाँ, अंडे देके बैठी अभी, इसके अंदर 4 बच्चे हैं, इसके अंदर 1 बच्चा है भाई, ये भी जंबो है, ये देखो। अच्छा अच्छा, मैं और भी दिखाता हूँ आपको बच्चे। हसन भाई अभी तो हमारे पास देखने के लिए तो बहुत चीजें है, आप थोड़ा स्लो स्लो में बताइए एक एक करके। मैं बताता हूँ, तो ये जो अभी ये मुझे दिख रहा है ये कॉकटेल, ये मेल फीमेल है या? मेल फीमेल, ये वाला मेल है, कौन सा ग्रे वाला? हाँ ग्रे वाला मेल है और ये वाली फीमेल है। अच्छा, इसमें भी कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, तो जो फीमेल होती है ना मैं पकड़ के दिखाता हूँ आपको, ऐसा नहीं समझ में आएगा, काटेगा फिलहाल तो। इसमें बहुत मुश्किल है पहचानना, लेकिन एक आसान तरीका एकदम, जो फीमेल होती है ना उसके पर के नीचे डॉट डॉट बने हुए होते हैं, डॉट डॉट दिख रहे आपको? बराबर, ये डॉट्स रहते, पूरे डॉट्स फीमेल को ही आएगी, खाली मेल को नहीं आएगी कभी। मैं मेल पकड़ के दिखाता हूँ आपको, ये
ये मेल है। अच्छा इसमें डॉट नहीं है, फीमेल नहीं, एकदम क्लीन रहेगा, एकदम क्लीन। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये कलर अलग है वो कलर अलग, इसके लिए ऐसा आएगा। तो मैं यही कलर में फीमेल पकड़ के दिखाता हूँ। अच्छा सेम कलर में देखो, ये दिखा कलर आपको, सेम कलर में आपको फीमेल पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखो ये फीमेल है, एकदम सेम है। हाँ मैं ये पकड़ के दिखाता हूँ आपको, ये फीमेल कभी भी डार्क कलर में नहीं आएगी, लाइट कलर में ही आएगी। ये देखो डॉट दिखे आपको, हाँ हाँ काफी डॉट से, जी जी बराबर। तो ये डॉट खाली फीमेल को ही आएगी। तो भाई ये आपकी जितने भी ये सभी होम ब्रीड है, खुद आपने घर पे ब्रीड किए या आपने? नहीं नहीं मैं लेके आया, ये लेके आने के बाद फिर इन लोग के बच्चे ब्रीड करता हूँ, इन लोग के बच्चे निकाल के फिर वो पालते हैं। तो ये सब आप सेल के लिए भी करते भाई? हाँ सब सेल के लिए, मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। भाई कितने दिन के तो बताओ भाई, बेबीज ये सब एक ही ब्रीड के बेबीज है या अलग अलग? ये सब स्पेंगल है और फुल येलो है, फुल वाइट। ये अपना खाली स्पेंगल कलर निकलेगा इसमें और फुल येलो कलर निकलेगा स्पेंगल। ये देखो इसको बोलते, मतलब ये थोड़ा ग्रीन और चमकता है। हाँ चमकता है, पूरा कलर चमकता है। मैं इन लोग के माँ बाप ये वीडियो दिखाया था आपको। ये तो सबसे छोटा दिख रहा है भाई, ये कितने दिन? हाँ ये बहुत छोटा है, ये अभी 5 दिन का बेबी है। 5 दिन का? हाँ ये 5 दिन का। लगभग बड़े होने में अप्रोक्स कितना दिन लग जाएगा भाई? 1 महीना लगता है मुश्किल से। और वो छोटी छोटी तो भाई जो सेल के लिए रहेगा, तो आप अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए लोगों को। 7899 7991 5143737। अच्छा तो आपको डिलीवरी पॉसिबल है या मतलब आपको कस्टमर को लेके आना? मुंबई मलाड मालवनी आके लेना पड़ेगा। अच्छा तो अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, मालवनी 8 नंबर में, वो बता दीजिए आप। मालवनी गेट नंबर 8 बस डेपो पे आके कॉल करेंगे तो मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। और अभी तो फिलहाल आपके पास बहुत सारी वेराइटीज है, तो और भी वेराइटीज आएगी तो इनशाला भाई आप हमें कॉल कर दीजिए, हम बनाते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने इतना बड़ा सेटअप देखा नहीं माशाल्लाह किसी के पास, मेरे को यहाँ आसपास लोकल में दिखे, इवन दुकान वाले लोग के पास भी नहीं दिखता है भाई माशाल्लाह। तो आपका शौक है दुकान वालों के पास, अगर आपको इतना बड़ा सेटअप मिल भी गया तो उसमें आधे बीमार मिलेंगे। अच्छा तो एक भी पीस आपको बीमार नहीं मिलेगा इसमें। आपको हॉलैंड का साइज बताता हूँ मैं, जम्बू का ये सब साइज में आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, देखने भी नहीं मिलेगा। अच्छा तो बहुत जबरदस्त दिख रही है भाई। अच्छा तो अभी हमने तो ब्रीड वगैरह ये सब देखे, लेकिन भाई प्राइस का कुछ आप बताएंगे कि क्या प्राइस में कौन सी है आपके पास? जो मेरे पास अभी फिलहाल ना 2 दिन पहले गुजरात से बंदा आया था, वो पूरे के पूरे नॉर्मल लेके चले गया। तो नॉर्मल का प्राइस मेरे यहाँ ब्रीडिंग पेयर का 500 रुपए जोड़ी है। जो आप अगर दुकान पे लेने आओगे तो 800 रुपए जोड़ी आपको ब्रीडिंग पेयर बोल के देगा, लेकिन वो ब्रीड करेगा भी नहीं। लेकिन मैं कंफर्म आपको मेल और फीमेल निकाल के दूंगा। मेरे पास क्या मतलब वो बंदा घर पे ले जाके ब्रीडिंग करा सकते हो उसकी? हाँ वही था, लेकिन अभी मेरे पास नॉर्मल है नहीं फिलहाल, में 2-4 दिन में आने वाले, तो फिर मैं आपको रिटर्न बुलाऊंगा वीडियो बनाने। इंशाल्लाह बिल्कुल बनाइए भाई हमारे। और अभी जो मेरे पास है जम्बो है, और जम्बो का प्राइस है नॉर्मल 3000 रुपया प्राइस है। जम्बो का 3000 रुपए से स्टार्ट है, 8000 10000 ऐसा प्राइस है सबका। पैर का या सिंगल का? पैर का, पैर का जोड़ी। तो बताइए भाई कौन सा है जंबो? ये देखो ये सब 3000 रुपए की, ये हो गया, ये डब्बे में घुस गया। हाँ वो अंडे पे आई है ना, इसके लिए। अच्छा अच्छा ये देखो ये फुल येलो, उसके ऊपर स्पेंगल, ये स्पेंगल भी 3000 रुपए का। अच्छा पैर, हाँ पैर, फिर ये ग्रीन वाला पैर, फिर मैं मेरे एक स्पेंगल का पैर बताता हूँ मैं आपको। काफी सारी वैरायटीज की पजीस है जैसे हसन भाई के पास आप देख सकते हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है। और मेरे पास बच्चे भी बहुत सारे सेल के लिए, अभी आपको भी बता दो, ये सारे बच्चे ही है सेल के लिए सब। हाँ सब सेल के लिए। और अगर कोई मतलब अपने बच्चे के लिए लेके आता है कि मतलब वो पाल नहीं पा रहा है,
अभी कैसा कोई बड़े लेके आता तो उसको बच्चे काटते, ये लोग बर्ड जो होते काटते, तो ये है जो छोटे खुद से खाते लेकिन काटेंगे नहीं लोग। अच्छा ऐसा है। अच्छा तो भाई मतलब इनको नॉर्मल फीडिंग में क्या देना चाहिए? ये फीडिंग के लिए तो देखो अभी कैसा कुछ लोग होते जिनको नहीं मालूम होता, वो खाली जो कान आता है जो बजीत खाते वो लाके दे देते। अच्छा जो नॉर्मल शॉप में मिलता है, जो नॉर्मल मिलता है, लेकिन वो नहीं डालना चाहिए। अगर डाल रहे हो तो मिक्स दाना डालो, वो भी दुकान पे मिलेगा, कोई भी शॉप पे मिल जाएगा। मिक्स दाना हो गया, सुबह कोथमीर हो गई एक टाइम, अच्छा दो दिन में एक बार भुट्टा, और फिर अपना चना आता है चना, रात में भिगा देने का चना और गेहूं, वो सुबह दाल देने का। अभी कैसा अपन भी खाली दाल चावल पे जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा तो ऐसा मतलब नॉर्मल बजीज का कोई ऐसा अभी समझिए नॉर्मल बकरों में हम या और भी कोई जानवर में इवन ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, अगर कोई बीमार होता है तो नॉर्मल वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हाँ। तो ऐसा कुछ बजीज में हमने को देखने मिलेगा जो नॉर्मल घर पे पालते हो तो जान सके कि हाँ हमारा मतलब जो नहीं, बीमार में तो मेरे पास कुछ भी नहीं मिला आपको, लेकिन मैं दवाई बता सकता हूँ। अच्छा नहीं मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों की तरफ से कि कोई ऐसा सिम्टम है जो देख के वो पहचान सके कि हाँ मेरा अभी कैसा ये बजीज बैठा है। तो ऐसा है ना बजीज ना फूल के बैठ जाता है एक ही जगह, फूल के बैठ जाता है एक ही कोने में बैठ जाता है, वो खा पी नहीं पाता है बरोबर, मतलब आएगा खाने की तरफ देखेगा खाना चुएगा और फिर जाके बजीज एक कोना पकड़ के बैठ जाता है, मतलब एक कोने में जा जाके बैठ जाता है बजीज बीमार होके। तो एक ही जगह फूल के बैठ जाएगा, जब बीमार होगा बजीज तो एक ही जगह पूरा चेहरे पे बाहर लेके आएगा, एक ही जगह कोने में फूल के बैठ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी दवाई है अपने पास, अगर आपको बस बीमार नहीं रखना है तो अपना ए टू जेड टॉनिक आती है मेडिकल में मिलती है बच्चे लोग की टॉनिक, वो भी आप डाल सकते हो बजीज को। अच्छा हाँ ए टू जेड टॉनिक आती है और बहुत सारी टॉनिक आती है, वो तो मैं आप फोन करोगे तो जो भी बीमारी अगर आप बताओगे मेरे बर्ड्स को ये बीमारी है तो मैं वो हिसाब से दवाई बता। अच्छा, तो मतलब अगर किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है मतलब उसका बजीज बीमार है कोई तो एडवाइस के लिए आपको बेफिक्र कॉल कर सकता है, राइट? तो जैसा देख सकते हैं आप भाई के पास काफी सारी बजीज है और भी इंशाल्लाह वैरायटीज आने वाली है तो हम और भी शूट करके बताएंगे आपको। और हाँ भाई अभी अगर आप बजीज पाल रहे हो तो उसको ऐसा पानी नहीं डालने का, इसमें अभी मेरा वो है ही नहीं अभी, तो इसमें कैसा पानी डालेंगे ना ऐसा, तो उन लोग उसी में बीट करते हो फिर बीमार पड़ते बजीज। अच्छा पानी डाल रहे हो अगर आप तो ऐसा रखने का, ये इसमें रखने का पानी, तो इसमें अगर आप एक हफ्ता भी पानी नहीं बदली करोगे ना तो भी चलेगा। और खाने के लिए अगर आप ये लगा दे रहे हो तो ज्यादा बेस्ट है, इसमें से हम लोग को जितनी जरूरत है खाली उतना ही खाना खाएंगे, बाकी का नीचे हम लोग काट काट के ऐसा छील के हम लोग खा लेते बाकी पूरा के पूरा। तो ठीक है भाई काफी शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वीडियो बनाने के बाद, और काफी पहले मतलब इससे पहले कभी मैंने इतना बड़ा सेटअप देखा भी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको, आगे भी आएगा तो इंशाल्लाह।